हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं महेश कुमार वर्मा अपने स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी स्पेशल के एक विशेष टॉपिक यानी योजना पर बात करेंगे। दोस्तों, योजना से हम लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारे विभिन्न वनडे परीक्षाओं व स्टेट लेवल के लगभग सभी परीक्षाओं में दोस्तों यहाँ से प्रश्न स्टैटिक व करेंट के रूप में दोस्तों पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ज़्यादा समय न लेते हुए इसका अध्ययन करना आरम्भ करते हैं। दोस्तों, हमारी पहली योजना है मुखबिर योजना। दोस्तों, ये सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश की 2016 से लेकर 2021 तक की योजना है जो चल रही है और चलती चली आ रही हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग महत्वपूर्ण सारी योजनाओं को कवर करेंगे और ये एक योजना पर दोस्तों हम लोग बात करेंगे। चलिए दोस्तों, हमारी पहली कौन सी योजना, मुखबिर योजना। मुखबिर योजना दोस्तों लिंग अनुपात में वृद्धि के लिए लाई गई उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। दोस्तों, मुखबिर योजना लिंग अनुपात में वृद्धि के लिए। अगली योजना दोस्तों, ई अस्पताल योजना। दूसरी योजना कौन सी है दोस्तों, ई अस्पताल योजना। ये योजना दोस्तों मरीजों को अस्पतालों में सहूलियत के लिए बनाई गई योजना। दोस्तों, ई अस्पताल योजना मरीजों को अस्पतालों में सहूलियत के लिए बनाई गई एक योजना है, ई अस्पताल योजना। तीसरा नंबर दोस्तों, मदर केयर योजना। तीसरी योजना है मदर केयर योजना। ये योजना दोस्तों नवजात शिशुओं की सुरक्षा के लिए है। उत्तर प्रदेश सरकार की दोस्तों मदर केयर योजना नवजात शिशुओं की सुरक्षा के लिए है। अगला दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्यकर्मी कैशलेस चिकित्सा योजना। ये योजना दोस्तों कर्मचारियों की पेंशनर से उनकी पेंशन से संबंधित योजना है। दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्यकर्मी कैशलेस चिकित्सा योजना। अगली योजना दोस्तों, गौपालक योजना। गौपालक योजना दोस्तों डेयरी के द्वारा अपना रोजगार उपलब्ध कराना। गौपालक योजना दोस्तों डेयरी के द्वारा अपना रोजगार उपलब्ध कराना, गौपालक योजना। अगली योजना देखते हैं दोस्तों, इन योजनाओं पर दोस्तों आप कॉन्सेंट होकर इनका देखें, इनको देखें, पुनः इनका दोस्तों रिविजन करें। क्वेश्चन दोस्तों कैसे भी पूछे जा सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट के रूप में भी दे दिया जा सकते हैं दोस्तों, सूची में मिलान के द्वारा भी दिए जा सकते हैं और विकल्पों के रूप में भी दोस्तों दिए जा सकते हैं। कोई भी एक योजना डाल दी जाएगी, उसमें दोस्तों पूछा जाएगा ये योजना किस चीज़ को लाभ प्रदान करने के लिए बनाई गई योजना है। तो इस तरह से दोस्तों आप इन क्वेश्चन को कॉन्सेंट होकर सुने, पुनः दोस्तों इनका रिविजन करें ताकि आप दोस्तों प्रिपेयर रहें ऐसे क्वेश्चन के हल करने के लिए। अगली क्वेश्चन दोस्तों, अगला हमारा दोस्तों योजना है कन्या सामूहिक विवाह योजना। अगली योजना हमारी दोस्तों कन्या सामूहिक विवाह योजना। ये योजना दोस्तों गरीब व जरूरतमंद लड़कियों की सहायता के लिए है। कन्यादान सामूहिक विवाह योजना गरीब व जरूरतमंद लड़कियों की सहायता के लिए है। अगला दोस्तों श्रमदान योजना। ये योजना दोस्तों सभासदों एवं कर्मचारियों द्वारा ददरी घाट पर सफाई अभियान के लिए बनाई गई एक योजना है दोस्तों, श्रमदान योजना। अगला दोस्तों स्कूल बैग्स वितरण योजना। स्कूल बैग्स वितरण योजना, योजना दोस्तों आप लोग सुने होंगे, जानते भी होंगे, बराबर दोस्तों आप लोग न्यूज में भी देखा होगा। योजना दोस्तों स्कूल बैग्स वितरण योजना। योजना दोस्तों स्कूली विद्यार्थियों को निःशुल्क बैग उपलब्ध कराना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों भाग्यलक्ष्मी योजना। अगली योजना हमारी दोस्तों भाग्यलक्ष्मी योजना। यह योजना दोस्तों गरीब परिवार में लड़की का जन्म होने पर आर्थिक सहायता। भाग्यलक्ष्मी योजना दोस्तों गरीब परिवार में लड़की का जन्म होने पर आर्थिक सहायता। नेक्स्ट दोस्तों मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना। अगली है दोस्तों मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना। यह योजना दोस्तों युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार के लायक बनाने से है, रोजगार के लायक बनाने से है। नेक्स्ट है दोस्तों नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना, यह योजना दोस्तों नदियों के किनारे बसे गाँव को शौचालय युक्त बनाने के लिए दोस्तों, ताकि दोस्तों नदियों की सफाई रह सके। यहाँ विशेषता दोस्तों हमारी गंगा नदी के लिए लाई गई योजना थी, जिसमें दोस्तों गंगा नदी के किनारे बसे गाँव को शौचालय उपलब्ध कराना, ताकि दोस्तों वहाँ का मल वहाँ का कचरा नदियों में न जा सके। नेक्स्ट है दोस्तों योगी बुनकर पेंशन योजना। अगली योजना है हमारी दोस्तों योगी बुनकर पेंशन योजना। यह योजना दोस्तों 60 वर्ष से अधिक आयु के हथकरघा बुनकरों के लिए है दोस्तों, योगी बुनकर पेंशन योजना। यह एक पेंशन योजना है दोस्तों जो 60 वर्ष से अधिक आयु के हथकरघा बुनकरों के लिए बनाई गई योजना थी उत्तर प्रदेश सरकार की। अगली दोस्तों मुख्यमंत्री पशुधन आरोग्य योजना। मुख्यमंत्री पशुधन आरोग्य योजना, यह योजना दोस्तों पशुओं को मुफ्त में दवाइयां व उपचार के लिए बनाई गई योजना है दोस्तों, मुख्यमंत्री पशुधन आरोग्य योजना। नेक्स्ट है दोस्तों
एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा योजना। यह योजना दोस्तों सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों के लिए चलता फिरता एक आईसीयू अस्पताल दोस्तों मुहैया कराने के लिए बनाई गई ये एक योजना थी दोस्तों, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा योजना। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना, अगली है दोस्तों हमारी मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना। यह योजना दोस्तों अनुसूचित तथा सामान्य जाति के विद्यार्थियों के लिए थी दोस्तों, उन्हें पढ़ाई के दौरान दोस्तों सहायता देने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों योगी फ्री लैपटॉप योजना, आप लोग जानते हैं इस टाइम चल भी रही दोस्तों, 22 से 23 लाख युवाओं को निःशुल्क लैपटॉप देने की योजना, योगी फ्री लैपटॉप योजना। नेक्स्ट है दोस्तों कर्ज माफी योजना, दोस्तों आप लोग जानते हैं छोटे किसानों की 1 लाख तक के फसली कर्ज को माफ करना दोस्तों कर्ज माफी योजना थी उत्तर प्रदेश सरकार की। नेक्स्ट दोस्तों गोमती रिवर फ्रंट योजना, नेक्स्ट योजना हमारी दोस्तों गोमती रिवर फ्रंट योजना। यह योजना दोस्तों गोमती नदी की सफाई के लिए बनाई गई योजना थी, गोमती रिवर फ्रंट योजना। नेक्स्ट है दोस्तों बक्सी तालाब योजना, बक्सी तालाब योजना। इस योजना के द्वारा दोस्तों किसानों के लिए आवास की व्यवस्था करना दोस्तों, बक्सी तालाब योजना के द्वारा किसानों के लिए आवास उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है दोस्तों मुख्यमंत्री मेधावी बालिका शिक्षा संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री मेधावी बालिका शिक्षा संवर्धन योजना। इस योजना के द्वारा दोस्तों 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने वाली छात्रों छात्राओं के लिए दोस्तों उन्हें सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री मेधावी बालिका शिक्षा संवर्धन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई योजना। अगला है दोस्तों फ्री वाईफाई योजना, फ्री वाईफाई योजना। यह योजना दोस्तों बसों और बस स्टैंडों पर वाईफाई सुविधा मुहैया कराने की योजना थी दोस्तों, फ्री वाईफाई योजना। नेक्स्ट है दोस्तों मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। इस योजना के द्वारा दोस्तों 25,000 से अधिक युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराना था दोस्तों, 25,000 से अधिक युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराना था। नेक्स्ट है दोस्तों योगी अन्नपूर्णा भोजनालय, अगला दोस्तों योगी अन्नपूर्णा भोजनालय। इसके द्वारा दोस्तों गरीब लोगों को सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराना योगी अन्नपूर्णा भोजनालय योजना थी दोस्तों। अगला काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन योजना, काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन योजना। यह श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की गई थी दोस्तों, उन्हें व्यवस्था उपलब्ध कराना ताकि दोस्तों काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन कर सके। अगला दोस्तों स्मार्ट राशन कार्ड योजना, स्मार्ट राशन कार्ड योजना। यह दोस्तों कार्ड में चिप लगी होगी और एक बार कोड द्वारा जारी किया जाएगा दोस्तों, इसको स्मार्ट राशन कार्ड योजना। नेक्स्ट है दोस्तों फर्स्ट एड योजना, फर्स्ट एड योजना। इस योजना के द्वारा दोस्तों सुदूर ग्रामीण इलाकों में सुविधा की दोस्तों मुहैया कराना, उन्हें दोस्तों सुविधाजनक मुहैया उपलब्ध कराना फर्स्ट एड योजना, सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए। अगला दोस्तों महिला कौशल विकास केंद्र, अगला दोस्तों महिला कौशल विकास केंद्र। यह योजना दोस्तों तलाकशुदा महिलाओं को साक्षर व आत्मनिर्भर बनाने से संबंधित है दोस्तों, महिला कौशल विकास केंद्र, तलाकशुदा महिलाओं को साक्षर व आत्मनिर्भर बनाने के लिए दोस्तों ये योजना थी उत्तर प्रदेश सरकार की। अगली योजना है दोस्तों एक मिनट, एंटी रोमियो स्क्वाड योजना। हमारी अगली योजना है दोस्तों एंटी रोमियो स्क्वाड योजना। यह योजना दोस्तों राज्य की महिलाओं और बहनों की सुरक्षा के लिए थी, एंटी रोमियो स्क्वाड योजना दोस्तों राज्य की महिलाओं और बहनों की सुरक्षा के लिए यह योजना दोस्तों बनाई गई थी। अगला दोस्तों एमनेस्टी योजना, एमनेस्टी योजना। यह योजना दोस्तों लंबित विद्युत बिल भुगतान जमा करने के लिए दोस्तों, लंबित विद्युत बिल भुगतान करने के लिए बनाई गई योजना एमनेस्टी योजना। अगला दोस्तों नगर विमानन प्रोत्साहन नीति, नगर विमानन प्रोत्साहन नीति। यह नीति दोस्तों, यह योजना प्रमुख शहरों और पर्यटन स्थलों को विमान सेवा उपलब्ध कराना, नगर विमानन प्रोत्साहन नीति। नेक्स्ट है दोस्तों संकल्प यात्रा योजना, अगला है दोस्तों हमारा संकल्प यात्रा योजना। यह योजना दोस्तों भगवा रंग की 50 बसों का संचालन, संकल्प यात्रा योजना दोस्तों भगवा रंग की 50 बसों का संचालन। आगे देखेंगे दोस्तों चिकित्सा सुविधा योजना, यह योजना दोस्तों पंजीकृत श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य योजना, पंजीकृत श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना दोस्तों, चिकित्सा सुविधा योजना। अगला दोस्तों अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना, यह योजना दोस्तों अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देना, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देना।
अगला है दोस्तों मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना। मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना, यह योजना दोस्तों भूमिहीन परिवारों को बीमा द्वारा आर्थिक सुविधा मुहैया कराना। दोस्तों मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना जो थी दोस्तों भूमिहीन परिवारों को बीमा द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट है दोस्तों श्रमिक जन जागरण अभियान, यह दोस्तों पंजीकृत श्रमिकों के लिए सरकारी योजनाएं देना, पंजीकृत श्रमिकों के लिए सरकारी योजनाएं देना। अगला दोस्तों ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना, यह परियोजना दोस्तों घर बैठे सभी सेवाओं का ऑनलाइन लाभ, आप लोग जानते हैं दोस्तों ई डिस्ट्रिक्ट सेवा या घर बैठे सभी सेवाओं का ऑनलाइन दोस्तों उसका लाभ प्राप्त होता है इस योजना के तहत। अगला दोस्तों पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना, इस योजना के तहत दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करने के लिए बनाई गई योजना थी दोस्तों पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना। यह योजना दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करने के लिए बनाई गई योजना थी। नेक्स्ट है दोस्तों उद्यमिता विकास योजना, यह योजना दोस्तों पशुपालन व डेयरी उद्योग के द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना। उद्यमिता विकास योजना पशुपालन व डेयरी उद्योग के द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना। अगला दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, इस योजना के द्वारा दोस्तों बाजारों को सोलर लाइट की व्यवस्था करना। नेक्स्ट है दोस्तों हेलीकॉप्टर सेवा योजना, इस योजना के द्वारा दोस्तों प्रमुख स्थलों पर सैलानियों के लिए योजनाएं दोस्तों देना, हेलीकॉप्टर सेवा योजना प्रमुख स्थलों पर सैलानियों के लिए योजनाएं देना। नेक्स्ट है दोस्तों मुख्यमंत्री निधि ईआईआर योजना, इस योजना के द्वारा दोस्तों इंजीनियरिंग कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए योजना थी दोस्तों मुख्यमंत्री निधि EIR योजना थी दोस्तों ये इंजीनियरिंग कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई उत्तर प्रदेश की योजना। अगला दोस्तों ग्राम अंगीकरण योजना, यह योजना दोस्तों कृषि शिक्षा व स्वास्थ्य आदि योजनाओं पर कार्य करने के लिए दोस्तों ग्राम अंगीकरण योजना। नेक्स्ट है दोस्तों साइकिल सहायता योजना, यह योजना दोस्तों श्रमिकों के लिए साइकिल वितरण मुहैया कराई गई दोस्तों आप लोग जानते हैं साइकिल सहायता योजना। नेक्स्ट है दोस्तों आवास सहायता योजना, यह योजना दोस्तों गरीब एवं बेघर श्रमिकों को आवास सुविधा प्रदान करना। नेक्स्ट है दोस्तों किसान कर्ज माफी योजना, किसानों की ऋण माफी से संबंधित है दोस्तों आप लोग जानते हैं। अगला दोस्तों रक्षाबंधन प्रोत्साहन योजना, यह दोस्तों सड़क परिवहन निगम द्वारा महिलाओं के लिए बनाई गई योजना थी दोस्तों रक्षाबंधन प्रोत्साहन योजना। नेक्स्ट है दोस्तों फूड बैंक योजना दोस्तों शादियों में बचने वाला खाना गरीबों में वितरण, फूड बैंक योजना दोस्तों शादियों में बचने वाला खाना गरीबों में वितरण। आप दोस्तों इसको कांस्टेंट होकर सुनिएगा, इसको एक बार रिवीजन दोस्तों आप लोग जरूर कीजिएगा क्योंकि दोस्तों सूचियों में मिलाने के लिए विकल्प में दोस्तों थोड़े से ही कन्फ्यूजन में दोस्तों यहाँ से हमारे आंसर्स गलत हो जाते हैं, विकल्प दिए जाते हैं दोस्तों जानते हैं आप लोग समान लगभग विकल्प बनाए जाते हैं कि थोड़ा सा अगर आप दोस्तों उस पर बराबर प्रिपेयर रहें ना रहें तो दोस्तों आपसे गलतियाँ हो जाती हैं और आंसर दोस्तों आपके गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता देना दोस्तों मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। नेक्स्ट है प्रभु रसोई योजना, यह योजना दोस्तों गरीब व जरूरतमंद लोगों के लिए दोस्तों फूड से संबंधित एक योजना थी जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दोस्तों लाई गई योजना है। अगला दोस्तों निःशुल्क बिजली कनेक्शन योजना, BPL कार्ड धारकों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देना दोस्तों निःशुल्क बिजली कनेक्शन योजना, किसके लिए दोस्तों BPL कार्ड धारकों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देना। अगला दोस्तों गुलाबी बस योजना, यह योजना दोस्तों परिवहन विभाग द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक योजना है दोस्तों गुलाबी बस योजना परिवहन विभाग द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए योजना है। सगुन योजना दोस्तों नवविवाहित जोड़े के लिए स्वास्थ्य सुविधा सगुन योजना। अगला है दोस्तों सुगम संयोजन योजना, यह योजना दोस्तों बिजली के इस्तेमाल के लिए सुविधाएं प्रदान करना सुगम संयोजन योजना। और शाला सिद्धि योजना, नेक्स्ट है दोस्तों शाला सिद्धि योजना,
यह योजना दोस्तों राजकीय इंटर कॉलेज और राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में लागू करने वाली योजना दोस्तों, शाला सिद्धू योजना, जो राजकीय इंटर कॉलेज और राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से संबंधित योजना थी। अगला दोस्तों सचल पालन गृह योजना, सचल पालन गृह योजना, यह योजना दोस्तों मजदूरों के बच्चों की देखभाल व शिक्षा के लिए सुविधाएं देना दोस्तों, सचल पालन गृह योजना। और लास्ट है दोस्तों आवासीय स्कूल योजना, आवासीय स्कूल योजना, यह योजना दोस्तों अनुसूचित जाति वर्ग की छात्राओं के लिए था। आवासीय स्कूल योजना अनुसूचित जाति वर्ग की छात्राओं के लिए। तो दोस्तों इस तरह से हमने एक ही वीडियो में उत्तर प्रदेश के विभिन्न योजनाएं जो दोस्तों स्टेटिक यानी 2016 से लेकर और 2021 तक दोस्तों जितनी भी योजनाएं बनेगी उनके महत्वपूर्ण दोस्तों योजनाओं को हम लोगों ने दोस्तों यहां पे अध्ययन कर लिया है। इस वीडियो का दोस्तों हम लोग एक बार रिवीजन करेंगे ताकि दोस्तों इन क्वेश्चनों को हम बराबर प्रिपेयर रहें। आप जानते हैं वन डे एग्जामों में और स्टेट लेवल के दोस्तों सभी एग्जामों में स्टेटिक व करंट जेके के रूप में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियो का क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टॉपिक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।